देखिए रायका जम्मू के एक फेफड़े जैसा कहते हैं ना, तो जम्मू के आसपास के जंगल जो जम्मू के फेफड़े हैं, जो हमें इतनी गर्मी में भी थोड़ी सी अगर हमें मतलब इन्वायरमेंट थोड़ा सा अलग लगता है अपना, या हवा हमें थोड़ी सी ठीक लगती है, तो उनकी वजह से अगर आप उन्हीं को काट दोगे तो हम मतलब क्या करेंगे, कैसे जिएंगे यहाँ पे। और ये आने वाली जनरेशन के लिए है, खाली हमारे लिए नहीं है। हमारे पास तो चलो हमने देख लिया रायका फॉरेस्ट है, सिद्रा फॉरेस्ट है। आज ये रायका काटेंगे, कल कहेंगे सेक्रेटरीट छोटा है, सिद्रा काट दो जी ऊपर से सारा। तो आहिस्ता आहिस्ता सारे फॉरेस्ट क्लियर कर देंगे तब आप क्या कर लोगे। आज ही उठना पड़ेगा सभी को। देखो 1928 जेड़ा साड़ा महाराज होरे जेड़ा जेड़ा साड़ी कोर्ट बनाए ही, अज ओदे खिलाफ साजिश होवे दी है। अस चाहगे कि वातावरण कन्नै बड़ी छेड़छाड़ होवे दी है। अज चीफ जस्टिस साहब और जेड़े आवे ने, ए जस्टिस ने इन्हें देखो आने टाइम जस्टिस ने इन्हें एक ओहदा दिता, भगवान का ओहदा दिता गया। अज साढ़े कन्नै जेड़ा बेइंसाफी होवे दी है वातावरण कन्नै, साड़ा डेढ़ लख बूटा जेड़ा छोटा बड़ा जेड़ा बढ़ोवा दा ए जम्मू दे खिलाफ साजिश होवे दी है बड़ी वड्डी। अस इहदे खिलाफ चल गए, युवा राजपूत सभा दे खिलाफ है बिल्कुल। अस चाहगे कि साड़ा वातावरण खराब नहीं करन, और साड़ी जम्मू दी जेड़े लोकें दी भावनाएं होंदियां ने खेलन नहीं है। मेरा नाम मुकेश सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट युवा रायपुर सभा। जो हमारा जो आज प्रोटेस्ट था वो रायका के जो वहाँ पे हाईकोर्ट बनना उसके खिलाफ है, और हम युवा रायपुर से क्या पूरा जम्मू उसके खिलाफ है, लेकिन फिर भी गवर्नर साहब ये हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। ये वही हिसाब लाना चाहते हैं जैसे 23 सितंबर पर हजूम इकट्ठा हुआ था, उसके बाद ही कहना माना जानते हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार फिर इसको रोका जाए, जो इतना 1,28,000 से ज़्यादा आप पेड़ काट रहे हो, कम से कम 3-4 लाख पेड़ पहले लगा लेते तो शायद कोई प्रोटेस्ट ना करता। लेकिन ये एक तरफ कहते हैं पौधे लगाओ पेड़ बचाओ, और दूसरी तरफ खुद ही काट रहे हैं। जो रूल्स हैं वो आम जनता के लिए, इनके लिए कोई रूल्स नहीं है। अगर रूल्स एक जैसे हैं, हाई कोर्ट हो, सरकार हो, आम जनता हो, तो एक ही रूल होना चाहिए सबके लिए कि पेड़ लगाओ। आप देख रहे हो कितनी ह्यूमिडिटी हो चुकी है, तो ये बिहाफ हो क्योंकि यहाँ पे पौधे कम हैं, आगे इतने पौधे कम हैं, ये ऊपर से खुद ही काट रहे हैं। तो जो अगर ये काटेंगे तो लोग क्यों नहीं काटेंगे? लोग इसीलिए लोग पहले हम लोग डरते थे कि सरकार हमें रोकेगी, लेकिन सरकार खुद ही काट रही है तो रोकेगा कौन हमें? बस मैं इतना एक गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, खास कर सरकार से, कि हाईकोर्ट के वहाँ आपके पास 200 कनाल अभी जगह जमीन बची है, उसको यूटिलाइज करो, बड़ा अच्छा हाईकोर्ट वहाँ बन सकता है। पैसे अगर पैसे इतने ही पैसे आ चुके हैं तो आम लोगों के काम पे पैसे लगाओ, अगर फिर भी आपके पास पैसे बड़े ओवर हो रहे हैं तो आप वहीं उसी को डेवलप करिए बस।